हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी सुबह की 5 बजे उठ चुकी हूँ और मैंने अब फ्रेश अप भी कर लिया है, फ्रेश अप मतलब सर धो लिया है। तो मेरा आज का दिल्ली का फ्लाइट है, 8:10 को डिपार्चर है। तो मैं 2 घंटा पहले ही निकलूँगी यहाँ से, होटल से मैं 6 बजे को निकल जाऊँगी। तो मैं अभी तो ब्रश करती हूँ, फ्रेश अप कर लेती हूँ। तो ठीक है, आप लोग देखते रहना। तो मैं ब्रश कर लूँगी। तो मैंने ब्रश अप कर लिया है, तो ठंड है तो मैंने मफलर वगैरह अच्छी तरह से सारे मोटे मोटे कपड़े पहन लिए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना मोटा कपड़ा से भी मुझे ठंड नहीं लगेगी। थोड़ा बहुत तो ठंड लगेगी जैसे लग रही है, फिर भी क्या करूँ, उपाय नहीं है। तो थोड़ी दूर रास्ते की ही बात है, एयरपोर्ट में तो गर्म ही होगा, अंदर में हीटर वगैरह होगा ना, इसलिए। तो मैं अभी अपने बालों को ठीक कर रही हूँ, तो चलो बाल भी भीगा है इसी तरह से बांध लेती हूँ। आगे से थोड़ा निकल दिया मैंने बाल वाले। तो अभी हो गई मैं रेडी, तो उसके बाद अभी लड़कियों को कभी भी जल्द होता ही नहीं, कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ मतलब जल्दी होता ही नहीं उन लोगों का। अभी भी अपने आप को रेडी कर रही है। तो मेरा रेडी हो गया है, तो मैं पानी गर्म कर रही हूँ, उसे पी लूँगी, उसके बाद फिर जाऊँगी। तो उसी देर में टैक्सी भी आ गया है, तो मैं बाहर निकल के आ गई होटल के बाहर। काफ़ी ठंड है और इतना अंधेरा है सुबह का, अभी 6:30 हो गया, सिक्स AM हो गया है, फिर भी इतना अंधेरा है सुबह सुबह, काफ़ी ठंड है। तो मैं अभी बैग को दे दूँगी कार में रखने के लिए, तो मैंने बैग को दे दिया है अभी। तो उसके बाद अभी तो मैंने गाड़ी के अंदर बैठ गई हूँ, क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड है तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं बैठ गई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट की ओर, तो कुछ ही दूरी का रास्ता है, 15-20 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो फाइनली हम एयरपोर्ट के रास्ते में ही है, पहुँचने वाले हैं, तो पहुँचे नहीं अभी तक। एयरपोर्ट पहुँचे हम लोग, एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। थोड़ा सा रुकिए सर, ठीक है भैया, थैंक यू, फिर मिलेंगे। श्रृंग बेचारा एक टी शर्ट और एक जैकेट पहना, उसे तो और भी काफी ठंड लग रही है, वो सोचा इतना ठंड नहीं होगा,
तो उसने अपना जो जो अंदर में जो गर्म कपड़ा है उसको वहीं खोल दिया, क्योंकि दिल तो गर्म होगा ना, फिर हाथ में कपड़ा वाला कपड़ा लोग लेना उसे पसंद नहीं है। तो उसने एक जैकेट ही पहना था, उससे बाहर में काफ़ी ठंड लग रही थी। तो हम ऐसा सोच रहे कि कब एयरपोर्ट के अंदर घुस जाए, इतना ठंड। फाइनली हम एयरपोर्ट के अंदर आ चुका है, तो अभी है यही लद्दाख एयरपोर्ट। तो मैं अभी हीटर के सामने बैठा हुआ हूँ, तो काफ़ी ठंड लग गया है, तो हम हीटर के सामने हीटर का मज़ा ले रहे हैं। तो हाथ भी काफ़ी ठंड हो गया, तो हाथ को भी सेक रहे हैं जो हम दोनों। तो अभी थोड़ा देर यहाँ रुकेंगे, तो यही अभी अभी जरा वेट करेंगे, हमारे पास एक घंटा का समय है। तो एक घंटा का समय है, चाय लेगा, बढ़िया सा कॉफी लेगा, कॉफी लेकर आएगा। हाँ, तो थोड़ा सा क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी ना, और एक तो आपका इतना अंधेरा, इतना ठंडा। तो मैं अभी यहाँ पे हीटर के सामने बैठा हुआ हूँ, तो अभी चलिए अभी हम कॉफ़ी पियेंगे। कॉफ़ी पीने के बाद बदन को गर्म करते हैं। एयरपोर्ट के अंदर तो गर्म है, ये है लद्दाख एयरपोर्ट। ये एक्चुअली आपका वो है मिलिट्री एयरपोर्ट, फिर एयरपोर्ट के अंदर कितना एक्सपेंसिव है, दो कप कॉफ़ी का 500। फाइनली मैं अभी फ्लाइट में बैठ चुकी हूँ, टेक ऑफ नहीं हुआ है, तो मुझे विंडो सीट मिल। तो अभी फ्लाइट टेक ऑफ होने में अभी और थोड़ी देर बाकी है, तो तब तक मैं ये है सुबह 7 कितना होता है एग्जैक्टली 8 बज गया। ये है मॉर्निंग व्यू, Thank you.
सून लद्दाख मे बी आफ्टर 2-3 मंथ। आपको निकटतम द्वार तक पहुंचने में मदद करेंगी। आपातकालीन स्थिति में अपने सामान की परवाह ना करें। अपने इस यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभी ये रनवे के लिए रेडी हो रहा है, तो रनवे के बाद अभी ये टेक ऑफ हो गया। ये टेक ऑफ हो रहा है अभी फ्लाइट टाटा लद्दाख। फिर मिलेंगे जल्दी से, ठीक है। ये आज हमारा सीट का आगे में फ्रंट में सीट नहीं है, तो मैं कंफर्टेबल से बैठ रही हूँ। अभी हम पहुंच चुके हैं दिल्ली। तो लद्दाख से दिल्ली ज़्यादा दूरी नहीं है, 1.5 आवर आसपास हम लोग पहुँच जाते हैं। तो अभी कुछ ही देरी में अभी हमारा लैंड होने वाला है फ्लाइट। तो अभी लैंड हो गया लैंड। इसका एक पंखा तो बंद है, तो एक पंखा बंद है, एक पंखा। अभी हम लोग बैगेज लेने जा रहे हैं। बैगेज का कलर भी स्पाइस जेट की तरह रेड। सारे आ गया, एक आ गया है ब्लू एंड स्काई ब्लू एंड वाइट वाला। ये वाला मैं हमारा भी वो चला तो नहीं है ना, नहीं गया वो। एक आ गया, ये वाला आ गया, और एक आना बाकी है हीरो लाल। हाँ आ गया ये, हाँ ये हाँ कभी भी नहीं पसंद है। फाइनली मेरा सारा लगेज आ गया। ये है सपना, सपना लगेज मिल गया। अभी जा रहे हैं, जाओ जाओ।
यहाँ से बाहर है फिर इधर घूम उस साइड पर। हाँ वो साइड हाँ वो तो बैग उधर रख दो बैग वही रख दो ये है एग्जिट एरिया डाली 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 अभी हम लोग यहाँ से टैक्सी हायर करेंगे ये अरुणा नगर के लिए टैक्सी अवेलेबल होगा अरुणा नगर एम टी मजनू का टिल्ला 1800 क्यों जो इन ऐसा क्यों बोल रहे थे 1800 यहाँ से तो कम होगा नहीं 800 रुपए तो चल बड़ी भाग गया है यहाँ टैक्सी कहाँ मिलेगा वही रख दो ना बैठो चलो अभी यहाँ से मंजिल टिल्ला जाएंगे मजनू का टिल्ला अरुणा नगर हाँ एमटी को एमटी को बैठा देने अभी एयरपोर्ट से एग्जिट हो गए हम लोग वहां तो ठंड ज्यादा होगी होगी एमटी में तो वहाँ कहाँ पे आप जहाँ से आए हो लद्दाख कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं भाई साहब बता देना वापस ले आएंगे अभी मैं अपने रूम में पहुंच चुकी हूँ एमटी में तो मेरा रूम में दिखाती हूँ सिर्फ दरवाजा बंद करना हाँ ये रहा मेरा एमटी में जो रूम में ये एक बेड है अंदर में और एक बेड है वाह दिस इज ब्यूटीफुल अच्छा लगा और यहाँ से शायद बालकनी होगा कैसे खोलेगा भाई इसको नहीं है शायद अपने की से बात में खुले ठीक है ये देखो अभी मैं अपना रूम ले लिया मैंने अपना वो कर लिया अभी मैं जा रही हूँ पंजाब बस्ती इतना क्राउड है मैं पंजाब बस्ती जा रही हूँ पंजाब बस्ती बोल के दिखाने मन हो गया नहीं बोल के दिखाने मन हो गया
बंदोबस्ती जा रहा हूँ बंदोबस्ती। ये पर तो बस्ती है। आ गई हूँ अपना पेट पूजा करने के लिए, तो मैं अपना पेट पूजा करूंगी। उसके बाद मेरा छुपा देंगे, छुपा लेंगे। छुपा बोला नहीं 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 छुपा में क्या बोलते हैं आलू पुदुम और मैं छुपा लेगा, आप लोग दिखाएगा मैं, ठीक है? पहले मैं अपना पेट पूजा कर लेती हूँ। पहले मैं अपना पेट, सुबह से कुछ नहीं खाया पता है, मैं लद्दाख से ऐसा एक ग्लास पानी पिया और एयरपोर्ट में कॉफी पिया बस। कॉफी पीने के बाद क्या हुआ पता है, मेरा प्रेशर लो जैसा हो गया लो, तो मुझे चक्कर सा आने लगा। तो मैं देखती मोटी हूँ लेकिन मेरा प्रेशर बहुत लो है पता है आपको। तो अभी मैं देखती तो मोटी हूँ बट मेरा प्रेशर बहुत लो है। तो अभी मैं अपना पेट पूजा करके फुल स्ट्रॉन्ग बनाऊँगी, उसके बाद छुपा करती हूँ कि आप लोगों को मैं दिखाती हूँ मैं कौन सा वाला छुपा लूँगी, ठीक है? खाली आ गया दाल मटर 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 सब्जी, ये पता नहीं क्या है, सलाद तंदूरी, ये मटन, ये मटन ये हाफ है तैयार हो रहा है, अगर जरूरत पड़े तो और आ जाए, ठीक है? ठीक है, ये है मटन। आज मेरे को ऐसे खाना मन हो, ऐसे खाने मन हो रहा था तो यही खाएगा। श्रिंग तो शुरू भी कर दिया, मेरा लंच हो गया, लंच बोलो पेपर्स दोनों हो गए, मैं लंच बोलो पेपर्स दोनों हो गया, श्रिंग अभी कंटिन्यू भी है। तो मेरा दोनों, जब मुझे भूख लगती है ना तो मैं अच्छी तरह से खा नहीं पाती हूँ। भगवान का भले ही इतना सुंदर नहीं है मतलब ये जो होटल जो रहे ढाबा जो, बट खाना A1 मिलता है, तो आदमी को रेस्टोरेंट से नहीं खाने का टेस्ट से मतलब होना चाहिए, है ना? तो बहुत अच्छा खाना मिला। मुझे जब भूख लगती है ना मैं अच्छी तरह से खा नहीं पाती हूँ, फिर भी मैंने अपना सेटिस्फाई के हिसाब से मैंने खा लिया है। तो चिरिंग अभी खा रही है तो ठीक है, फिर मैं दिखाती हूँ उसके बाद मैं क्या करूँगी, ठीक है? चिरिंग के लिए सिलेक्ट हो रहा है, आया ये तो बहुत कॉमन हुई है चिरिंग। कहाँ गए? मेरा फोन निकाल दो, नहीं तो अपने मजा नहीं लग रहा। कलर बताओ आप, कलर कैसा चाहिए इसके लिए? ये वाला ब्लैक दिखाओ तो। ब्लैक में बनाना है? हाँ ब्लैक, कितना शर्म। हाँ ये तो हुए, ये कोचिंग है प्ले, ये पूरा ऐसे कुछ भी नहीं, डायरेक्ट प्लेन में चाहिए, थोड़ा हल्का हल्का सा एम्ब्रॉयडरी किया जैसा वाला। हाँ 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 लाइक दिस, ये वाला बनाओ। कितना है मीटर में? 180 मीटर का है। 180 मीटर का है। और अभी कौन सा ऐसा चल रहा है ब्लैक में? ब्लैक में देखो सबसे प्यारा है। हाँ इसको जैसे मर्जी वॉश करो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज अंदर भी है देख सकते हैं आप। हाँ अंदर खुचेल है ये सब, ये वाला सब 400 मीटर का है। इसको हाँ। अगर ऐसे करेगा ना काफी मतलब इंच टेप में से टेप ही दो ले आएगा नहीं 11 का नहीं खरीद रहे ये वैसा है ये ब्लैक के साथ में बहुत प्यारा लगेगा। ये हां ये भी सुंदर है ना, क्योंकि इसका ना प्रिंट ना ब्लैक ही आ रहा है। हां सही है, सब नहीं वैसे ये तो है।
तो इसमें मेरे क्या बोलते हैं ये जो अभी अपने अटैच आएगा ना, अटैच, हाँ अटैच तो ये सिलेक्ट किया है मैंने, और एक ये वाला ये मैंने अभी शॉपिंग वगैरह कर लिया है, तो इतना तो नहीं कर पाया क्योंकि मेरा ऑलरेडी पहले से बैग भरा हुआ था, तो फिर मुझे फ्लाइट में जाना होगा तो मैं इतना ज़्यादा कैरी नहीं कर पाऊँगा, तो वेट लिमिटेड होता है आपको तो पता ही है, तो मैं बस जितना नेसेसरी था उतना ही मैंने कर लिया, तो अभी हो गया। तो मैं अभी बस रूम में आया हुआ हूँ, ये देखो हमारा पूरा बैग वगैरह, और एक उधर है, पता नहीं मैं कैसे लेके जाऊँगी। तो अभी जस्ट हम लोग थोड़ा चिल करेंगे। हमारा रूम का बाहर का बालकनी यहाँ से पूरा दिखाई देता है, चिल करने के लिए जा, अच्छा है ये जगह, अरुणा नगर, दिल्ली अरुणा नगर। ये है और ये है छोटा सा प्यारा सा कमरा, तो मैं अभी थोड़ा सुंदर सा प्यारा सा यहाँ से हमें बाहर करने जा रहे हैं। ठीक है मेरे लिए, तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर मिलेंगे हम लोग दूसरे और नए ब्लॉग में। तो अभी मैं अपना ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक का ही है। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा या मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इसे प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर उसके बाद अगर मेरे चैनल को, मेरा वीडियो को आप पहले देखना चाहते हो या नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए, सामने में जो बेल आइकन है घंटे की तरह उसको दबाना ना भूलिए। ठीक है, बाय, लव यू ऑल।